तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने बुधवार को इस्लामी सहयोग संगठन के आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग संगठन की स्थायी समिति को इस्तांबुल बैठक को संबोधित किया। एर्दोगन ने बैठक में कहा, जब तक मुस्लिम और अन्य लोग न्याय और आज़ादी की रक्षा करते हैं, फिलिस्तीन अस्तित्व में रहेगा। उन्होंने कहा कि तुर्की अपने लोगों को यरूशलम जाने के लिए प्रोत्साहित करेगी, ताकि कब्जे वाले लोग पवित्र शहर की रोशनी मंद नहीं करेंगे। एर्दोगन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने फिलिस्तीन और नागरिक युद्धों पर मुस्लिमों को निराश किया है, हालांकि मुसलमानों ने उन पर समाधान के लिए दबाव बनाया था। उन्होंने कहा, सीरिया से इराक, यमन, फिलिस्तीन संकट और इस क्षेत्र में खून बहाने वाले प्रथम विश्व युद्ध के बाद खींची गई रेखाओं से निकलती है। एर्दोगन ने कहा, हमें उन लोगों के जाल में नहीं आना चाहिए जो रक्त की बूंद से तेल की बूंद को अधिक वजन देते हैं। तुर्की राष्ट्रपति ने कहा, यदि यमन में लाखों गरीब और भूख से मर रहे हैं, तो मुस्लिम इसके लिए जिम्मेदार हैं, ना कि दूसरे। एर्दोगन ने यूएन सुरक्षा परिषद की संरचना में सुधार लाने के लिए अपने आह्वान को फिर से दोहराया। राष्ट्रपति ने अन्य इस्लामी व्यापार भागीदारों के लिए फायदेमंद नीतियों को अपनाने के लिए इस्लामी देशों के बीच रिश्तों पर जोर दिया। उन्होंने कहा, इस्लामी देशों के बीच व्यापार में राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग साम्राज्यवादी झटके से मुक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, इस्लामी सहयोग संगठन की आर्थिक सहयोग समिति के सदस्यों के बीच व्यापार बढ़ाना उन्हें मजबूत बनाता है। उन्होंने मुस्लिम देशों से वरीयता व्यापार प्रणाली को वास्तविकता बनाने के लिए प्रक्रियाओं को पूरा करने का आग्रह किया। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज़ लाइव।